हेलो, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम कल के वीडियो से आगे का पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रकाश का अपवर्तन लेंस के द्वारा, लेंसों के विषय में हमने पढ़ा था, लेंस कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के लेंस होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं जैसा कि पिछले वीडियो में देखा गया, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। लेंस का मुख्य काम है प्रकाश की किरणों को अपवर्तित कर देना या प्रकाश की किरणों को मोड़ देना। ठीक है, अपवर्तित करने और मोड़ने से वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी वस्तु को अगर बिंब कहें तो बिंब का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस के भी द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा किस प्रकार से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को यहाँ पर हम बिंब कहेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगता है, आपको कितना लाभ हुआ, कितना शिक्षा आपने इस वीडियो से ग्रहण किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये पाठ का नाम है और ये पाठ है NCERT की किताब कक्षा 10, जो कि UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड तथा अन्य अनेक बोर्ड में चलती है। कक्षा 10 विज्ञान की किताब है, भौतिक विज्ञान का यह पहला चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अब देखिए, सवाल ये है, प्रश्न ये उठता है कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की सभी स्थितियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं, जिस प्रकार से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां थीं, उसी प्रकार यहाँ पर लेंसों में उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं, जिसमें कि पहली स्थिति है वस्तु रखी है कहाँ पर, अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। इससे पहले हम आपको बता दें F2 क्या है। देखिए, ये है हमारा उत्तल लेंस, यहाँ से अनंत दूरी पे कोई वस्तु रखी है AB। ठीक है, क्लियर। अब F1 और F2 क्या है, देखिए लेंस का बिल्कुल मध्य बिंदु, यह कहलाता है प्रकाशीय केंद्र और इसे O से दिखाते हैं। यहाँ से ये जो दूरी है ये F1 है, यानी इसके दो फोकस होते हैं, फोकस बिंदु F1 और F2। ठीक है, और ये वाला हो गया C1 और ये वाला हो गया C2, यानी वक्रता केंद्र भी दो होते हैं। अब देखिए, इतनी दूरी पे F1 स्थित है तो इसकी जस्ट डबल दूरी पे क्या होगा, C1 होगा, या इसको C1 को 2F1 भी कह सकते हैं। यानी इतनी दूरी पे F1 है तो इसकी जस्ट डबल दूरी यानी दोगुने दूरी पे क्या होगा, 2F1। ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे 2F1, या इसको C1 भी कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र C1 भी इसको कहते हैं। इधर ये दूरी F2 है, दूसरा फोकस है, इसकी जस्ट डबल ये पॉइंट F2 दूरी पे है तो दूसरा 2F2 पे हो जाएगा। ठीक है, और इसको C2 भी कहते हैं। तो देखिए, वस्तु है कहाँ पर, अनंत पे है, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें सभी मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी और समांतर आने पर ये वाली किरण आई और लेंस से प्रवेश करी, लेंस से जब बाहर निकलेगी तो इस तरह से मुड़ जाएगी, मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ जाएगी। ये जो उत्तल लेंस होता है इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यह सभी किरणों को जो है मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ता है। और अवतल लेंस जो होता है वो अपसारी लेंस होता है, वो सभी किरणों को मुख्य अक्ष से दूर मोड़ता है। ठीक है, तो देखिए, वस्तु है अनंत पर, कहाँ पर है, अनंत पर, अनंत दूरी पर है। तो देखिए, यहाँ से ये प्रकाश की किरण चली समांतर, इस प्रकार से फोकस बिंदु से होके जाएगी, दूसरी चली समांतर, ये भी प्रकाश फोकस बिंदु से होके जाएगी। दोनों किरणें वास्तविक रूप से यहाँ मिल रही हैं, कहाँ पर, F2 पर, कहाँ मिल रही हैं, F2 पर। तो यहीं पर बिल्कुल छोटा सा सूक्ष्म बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा, जो कि वस्तु से बिल्कुल छोटा होगा, उल्टा होगा और
वास्तव में किरणें मिल रही हैं एक दूसरे से तो वास्तविक होगा। तो देखिए वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर, यानी बिंब कहाँ है, अनंत पर है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 पे बन रहा है, ये यहाँ पर दूसरे फोकस पे बन रहा है। कैसा है, छोटा है, वास्तविक है और उल्टा है, छोटा बिल्कुल बिंदु के आकार का। दूसरी स्थिति, अब ये वस्तु खिसक के कहाँ पे आ गई और पास में आ गई, यानी अनंत व 2F1 के बीच में आ गई। ये पॉइंट 2F1 है और अनंत के बीच में यहाँ पर ये चित्र है, देखिए यहाँ पे आ गई इस प्रकार से। तो ये है बिंब और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में। देखिए ये बन रहा है, कैसे बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है, छोटा है, वास्तविक है और उल्टा है। अब देखिएगा, एक हेड से एक प्रकाश की किरण चली समांतर मुख्य अक्ष के, वह समांतर चलने वाली कहाँ से होके जाएगी, हमेशा F2 दूसरे फोकस बिंदु से होके इस तरह से निकल जाएगी। दूसरी हेड ही से चली, वस्तु के हेड से चली और O यानी प्रकाशित केंद्र से होके जाएगी। प्रकाशित केंद्र से होके जाने वाली सभी प्रकाशित किरणें बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाएंगी। तो यहाँ से ये सीधे निकल गई और दोनों रेखाएं एक दूसरे से यहाँ मिली, यहीं पर इस बिंब का ये प्रतिबिंब बन गया। ये वस्तु से आकार में छोटा है, वास्तव में मिल रही तो वास्तविक है और साथ ही साथ ये उल्टा है। कैसा है, छोटा है, वास्तविक है और उल्टा है, ठीक है। तीसरी कंडीशन है, वस्तु कहाँ पर है, 2F1 पर। वस्तु है 2F1 पर, यहाँ से कहाँ पर है, 2F1, ये F1 है, इसके दोगुना दूरी पर है ये 2F1। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, दूसरी तरफ 2F2 पे बनेगा, ठीक है। अब ये कैसा होगा, ये वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कैसे, एक किरण समांतर चली तो ये F2 से होके जाएगी सीधे इस प्रकार से, दूसरी किरण हेड से चली वो प्रकाशित किरण से होके गई तो सीधे बिना मोड़े निकल जाएगी। दोनों किरण यहाँ काटेंगे एक दूसरे को तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, 2F2 पे बन जाएगा, उल्टा होगा और वस्तु से बराबर होगा आकार में और वास्तविक होगा। तो ये तीन स्थितियाँ। अब देखिए चौथी स्थिति इस प्रकार से है, वस्तु जो है, बिंब जो है, 2F1 और F1 के बीच में रखा हुआ है और इसका प्रतिबिंब जो है वो है 2F2 और अनंत के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, बड़ा, वास्तविक और उल्टा। देखिए वस्तु है 2F1 और F1 के बीच में और इसका प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, इसका प्रतिबिंब जो है इधर बन रहा है अनंत और 2F2 के बीच में। देखिए यहाँ से किरण चली, फोकस बिंदु से होके जाएगी, दूसरी O से जाएगी, O सीधी जाएगी, दोनों इधर काटेंगी अनंत और 2F2 के बीच में। वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कैसा होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। पांचवी स्थिति है, बिंब है F1 पर। कहाँ पर है, F1 पर है, ये AB F1 पर है। प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, कैसे, एक किरण यहाँ से गई, फोकस से होके गई, दूसरी किरण O से होके गई, सीधे निकल गई, ये दोनों न जाने कहाँ मिले, अनंत पे जाके मिलेंगी एक दूसरे से। अनंत पे बनेगा प्रतिबिंब, इसका कैसा होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। छठी स्थिति, ये स्पेशल स्थिति है, इम्पॉर्टेंट है। वस्तु कहाँ पर है, F1 और प्रकाशी केंद्र के बीच में, यानी F1 और प्रकाशी केंद्र के बीच में ये वाली वस्तु है AB। अब एक किरण इस प्रकार से गई F2 से होके गई, दूसरी O से होके गई,
अब यहाँ से देखने पे ये काल्पनिक रेखाएं आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे देखने पे लगेगा ये रेखाएं कहाँ से कहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, इधर यहाँ पे मिलने की ऐसी ऐसी आभास हो रहा है मिलने का। तो यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश, कैसा होगा, चूँकि किरणें जो है मिलने का आभास हो रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और इसका हेड ऊपर को है, प्रतिबिंब का भी हेड ऊपर को है, तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।